हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हम बीमर प्रेजेंटेशन में लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को जो नंबरिंग आती है और नंबरिंग के साथ जो बुलेट्स आते हैं, उस बुलेट्स का डिस्प्ले किस तरह से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक बीमर डॉक्यूमेंट क्लास बना के रखा हुआ है और इस बीमर डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने थीम यूज किया हुआ है मैड्रिड, और इस डिफॉल्ट थीम के हिसाब से जब भी मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लिया हुआ है और इस फ्रेम में मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ IITs है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ NITs है और लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये अलग अलग फ्रेम्स पे मैंने एक इन्यूमरेटेड लिस्ट या नंबर लिस्ट मैंने बनाई हुई है, और इसके हिसाब से जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट जो आई हुई है, उस लिस्ट को जो नंबरिंग आया हुआ है, उस नंबरिंग आप देख सकते हो यहाँ पे ये राउंडेड सर्कल आया हुआ है और इस राउंडेड सर्कल के अंदर में आपके नंबर्स आए हुए हैं। तो ये मैड्रिड थीम के हिसाब से डिफॉल्ट आया हुआ है। अगर आप थीम चेंज करते हो तो उसके हिसाब से आपका ये जो बुलेट्स है ये नंबरिंग का, ये आपका अलग रह सकता है। लेकिन आपको अगर इन बुलेट्स को अगर कस्टमाइज करना है तो उनको किस तरह से, अगर मुझे राउंडेड नहीं चाहिए, मुझे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर चाहिए, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम चेंज करेंगे, वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो राउंडेड सर्कल्स वगैरह आए हुए नंबर्स के अराउंड में, दे आर कॉल्ड एज द इनर थीम्स, वो इनर थीम के अंदर में आता है। तो ये मुझे चेंज करना है, तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए क्या करना है आपको। प्रीएम्बल में एक पैकेज यूज करना है या एक कमांड देना आपको, दैट इज यूज इनर थीम। आप देख सकते हैं यूज इनर थीम, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आप देखिए यहाँ पे यूज इनर थीम अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, और इस यूज इनर थीम के लिए इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको अलग अलग ऑप्शंस देने हैं। वो ऑप्शंस क्या रहेंगे हम देख सकते हैं। तो डिफॉल्ट आपने देखा हुआ है कि जो नंबरिंग आया हुआ है उसके अराउंड एक राउंडेड सर्कल्स आए हुए हैं। अगर मुझे राउंडेड नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे रेक्टेंगल अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये जितने भी ये इनर थीम्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही यूजर यूज इनर थीम के साथ रेक्टेंगल्स ऑप्शन अगर यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास राउंडेड सर्कल्स जो है, वो राउंडेड सर्कल्स हमारे पास रेक्टेंगल में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास राउंडेड सर्कल थे, अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर में ये नंबरिंग आया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे स्लाइड्स के ऊपर ये चेंज हो गया है। रेक्टेंगल्स की जगह अगर मैं सर्कल्स अगर कर देता हूं, अगर मैं यहां पे सर्कल्स अगर कर देता हूं, राइट, और इसको फिर से अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो सर्कल्स में आपके कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं आपको जूम करके फिर से दिखाता हूं, आप देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स के अभी सर्कल्स आ गए हैं। अगर मैं राउंडेड कर देता हूं, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास राउंडेड, राउंडेड ऑप्शन अगर मैं कर देता हूं और फिर से अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूं, तो आप देखेंगे कि इस नंबर के अराउंड राउंडेड सर्कल्स आ जाएंगे, जैसे हमारे पास डिफॉल्ट है उसी तरह से भी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं तो डिफॉल्ट था उसी तरह के ये राउंडेड सर्कल्स अभी इसके अराउंड आ गए हैं। फिर से एक ऑप्शन है हमारे पास इन मार्जिन, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं इन मार्जिन, ये मार्जिन के अंदर में हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूं, और आप राइट हैंड साइड में देखोगे कि ये जो नंबरिंग है आपका मार्जिन के अंदर में आ जाएगा, और उसके बाजू में आप देख सकते हैं एक वर्टिकल बार यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये जो हमारे पास बुलेट्स आए हुए हैं ये हमारे पास मार्जिन के अंदर में आया हुआ। आप देख सकते हैं सभी स्लाइड्स के ऊपर आपका सेम चेंज हुआ है। तो इस तरह से आप जो हमारे पास इनिमरेटेड नंबर जो आए हुए हैं, नंबरिंग जो आया हुआ है, उसका लुक आप चेंज कर सकते हो बाई यूजिंग द इनर थीम ऑप्शन, ठीक है। तो यूज इनर थीम कमांड अगर आप यूज करते हो और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अगर आप स्पेसिफाई करते हो, तो इसका लुक आपका चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थीम चेंज करते हो, थीम चेंज करने के बाद भी आपके वो अलग अलग ऑप्शंस
या लुक आपके बुलेटेड नंबर्स के दिखेंगे, लेकिन उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।